शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस तहसील में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 26 तक पहुंच गई है। ऐसे में दिग्रस शहर में फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से स्थानीय दिग्रस विकास आघाड़ी सामने आते हुए संपूर्ण शहर के निर्जंतुकीकरण का बेड़ा उठाया है, जिसके पहल गुरुवार को घंटी पापा मंदिर से की गई है। इस मौके पर आघाड़ी के पदाधिकारियों, सदस्य सहित मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण का फैलाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस महामारी ने मानो देश और दुनिया के हर कोने में अपने जड़े जमा दिए हैं। दिग्रस तहसील भी इस संक्रमण से अछूती नहीं है। तहसील में गुरुवार की शाम तक कोरोना मरीजों की तादाद कुल 26 हो गई है, जिसमें शहर के 22 और ग्रामीण इलाकों की कुछ 4 कोरोना मरीज शामिल है। शहर और ग्रामीण इलाकों में मरीजों के बढ़ते आंकड़ों ने सबको गहरी चिंता में डाल दिया। ऐसे में दिग्रस शहर को कोरोना मुक्त करने के लिए और लोगों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से दिग्रस विकास आघाड़ी ने सकारात्मक पहल का आगाज किया, जिसके तहत दिग्रस शहर को कोरोना मुक्त करने की उम्मीद के साथ दिग्रस विकास आघाड़ी ने संपूर्ण शहर के निर्जंतुकीकरण का सराहनीय कदम उठाया है। इस काबिले गौर पहल की शुरुआत शहर के घंटी बाबा मंदिर से की गई। इस मौके पर सैनिटाइजर व्हीकल से मंदिर परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। मालूम हो कि इस व्हीकल के जरिए दिग्रस के हर इलाके, चौके, चौराहों और रास्तों पर रोजाना सैनिटाइजर का छिड़काव कर शहर निर्जंतुकीकरण की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर दिग्रस शहर विकास आघाड़ी के पदाधिकारी, सदस्य तथा मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान शहरवासियों को कोरोना से खुद का बचाव करने और WHO द्वारा निर्देशित सूचनाओं का पालन करने का आह्वान आघाड़ी की ओर से किया गया। आपण आज हा उपक्रम सुरू करत आहोत। आजच्या तारखेला आपलं दिग्रस शहर आणि दिग्रस तालुका मिळून जवळपास 26 कोरोनाग्रस्त रुग्ण आज आपले दिग्रस शहर आणि तालुक्यातली आहे आणि हा आकडा वाढू नये आणि हा वाढलेला आकडा एका विशिष्टाच्या चेनच्या माध्यमातून आपण या संकटावर मात करूया आणि यासाठी संपूर्ण दिग्रसवासियांचं या नवीन विकास आघाडीला सहकार्य मिळेल आहे व राहीलच अशी अपेक्षा करतो आणि पुनश्च एक वेळा सर्व दिग्रसवासियांना विनंती करतो की शासन आणि प्रशासन हे जवळपास 3 ते 3.5 महिन्यापासून आपल्यासाठी कठोर असं परिश्रम घेत। बहरहाल शहर निर्जंतुकीकरण की इस मुहिम से शहर को कोरोना संक्रमण से बचाने की दिशा में जो प्रयास दिग्रस विकास आघाड़ी ने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि शहरवासियों के सहयोग से यह आगाज अच्छे नतीजों के साथ असरदार साबित होगा। इनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।